ने प्रवेश कक्षा के आरक्षित पर कमजोर वर्ग के अभिभावक जो हैं उन्होंने नाम अपने बच्चे के नामांकन के लिए आवेदन किए थे। मार्च के अंतिम सप्ताह तक नामांकन प्रक्रिया चली, उसके बाद देश पूरे देश में लॉकडाउन घोषित हो गया और सभी क्रियाकलाप बंद हो गए, नामांकन प्रक्रिया भी रुक गई। अब जब 3 महीने के बाद नामांकन प्रक्रिया फिर से शुरू हुई है तो स्कूल द्वारा, जिसमें मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल है, RMS कोटाडी, RMS बालीचला और काशीडी हाई स्कूल, स्कूल प्रबंधन द्वारा कमजोर वर्ग के अभिभावकों को कहा जा रहा है उनका BPL आय प्रमाण पत्र का वैलिडिटी डेट खत्म हो गया। अब जब नामांकन प्रक्रिया 3 महीने बाद जब पूरी से शुरू हो रही है, इस बीच में आकर वैलिडिटी डेट खत्म हो गई तो इन अभिभावकों का क्या दोष है उसमें? जमशेदपुर अभिभावक संघ आज उपायुक्त महोदय के समक्ष इस समस्या को रखते हुए मांग करने आया कि हर साल जो स्कूल अन प्रकरण कान बनाकर जो बच्चों का नामांकन लेने से इनकार करता है, परेशान करता है, उस पर रोक लगाने का उनके माध्यम से आदेश तो दिया ही जाए, इसी BPL आय प्रमाण पत्र पर इस बच्चों का नामांकन लेने के भी स्कूल को आदेश दिया जाए, इन हम मांग को लेकर आ जाएँ।